हिमावरी कगुया प्रिंसेस है। एक समय की बात है, नुहारा फैमिली फर्नीचर बनाने का काम किया करती थी। वो पहाड़ों से बैम्बूज लेकर आते और उससे फर्नीचर बनाते थे। उन्हें इस काम से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता था। जाने का वक्त हो गया है, चलो मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। बाय। आज के दिन मैं अपना दिल लगाकर पूरी मेहनत करने की कोशिश करूँगा। और एक दिन हमेशा की तरह वो जंगल में बैम्बूज लेने गए। उन्हें जंगल के अंदर एक रोशनी नजर आ रही थी। वो उस रोशनी के और करीब गए। उन्होंने देखा वहाँ एक बैम्बू चमक रहा था। उन्हें लगा उससे उन्हें फायदा होगा और वो उसे काटने लगे। और तभी उन्होंने देखा उस बैम्बू के अंदर एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। और अपने साथ उसे घर ले जाने के बाद नोहारा फैमिली ने उसका नाम कागुया प्रिंसेस रखा। हमने अभी तक इसका नाम तो सोचा ही नहीं है। अरे अभी तो इसका डायपर बदला था। ठीक है मैं आती हूँ, अभी सब ठीक हो जाएगा, चुप रहो। हाय। अब ये हाय क्या है? हेलो। अब ये हेलो मत कहो। तो मैं आखिर क्या करूँ? सुनो, जब बच्चे घर लौटते हैं तो उन्हें प्यार से कहना चाहिए, मैं घर आ गया मॉम। अगर जोकर अपने घर आया तो? देखिए मैं सबको हंसाकर घर आ गया मॉम। ठीक है, अब मैं थोड़ी स्नैक्स खा लेता हूँ। रुक जाओ, मेरी मदद करने के बाद ही तुम्हें स्नैक मिलेगा। तुम अब बड़े भाई हो इसलिए मेरी मदद करनी होगी। बड़ा भाई? अरे वह मेरी प्यारी सी बहन है। जब तक मैं डायपर बदल रही हूँ तब तक तुम चूल्हे पर आग देखते रहना। ठीक है? ठीक है। बस देखना ही नहीं है, इसकी मदद से आग को एडजस्ट भी करना है। ठीक है। अरे ऐसे मत करो, ठीक से फूंक मारो। कागुया प्रिंसेस के आने से पहले ये परिवार खुश रहता था, पर उसके आने के बाद ये खुशी दोगुनी हो गई थी और अब वो ज्यादा खुश रहने लग गए थे। सच में बहुत हंसी आ रही थी। अब बहुत खुश लग रही है मैं। और जैसे ही कागुया प्रिंसेस की आने की खबर शहर में फैली, उससे मिलने के लिए तीन लड़के शहर में आ गए। प्लीज मुझे कागुया प्रिंसेस से दोस्ती करने दीजिए ना। माफ कीजिएगा, मुझसे दोस्ती कर लीजिए। प्लीज सर। बिल्कुल नहीं, अपनी प्रिंसेस हम किसी को नहीं देंगे। अरे ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। बिल्कुल नहीं, ये रिक्वेस्ट है, मान जाइए ना। हिरोशी उन्हें मना करने का तरीका सोच रहा था और तभी उन्हें एक बात सूझी। मैंने सोच लिया है कि प्रिंसेस उससे दोस्ती करेगी जो सफेद नाक की क्रिस्टल बॉल लेकर आएगा। ये तो खतरनाक है। क्या आप सच कह रहे हैं? पर हमें लाना होगा। मैं भी जाऊंगी। ये काम तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो सब सफेद नाक के घर की ओर चल दिए जो बहुत दूर था। मुझे डर लग रहा है। इतना ज्यादा कोहरा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे री री, बहादुर बच्ची डरती नहीं। मैं नहीं डर रहा हूँ, समझ गए तुम? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? अरे वो देखो, एक क्रिस्टल बॉल। ये एक सफेद नाक का क्रिस्टल बॉल लगता है। यहाँ तो बहुत सारे हैं। हमें ये वाला लेकर जाना चाहिए। हाँ। कितना आसानी से मिल गया, अब वापस चले। रुक जाओ बच्चों, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल चुराने की? अरे ये तो मिस्टर सफेद नाग है। हेलो मिस्टर सफेद नाग। क्या बात है? ये बॉल प्लीज दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। किराए पर दे दीजिए। हाँ मैं ये किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन 3 दिन के 1000 रुपए लगेंगे और वापस करते वक्त ये रसीद मत भूलना। शुक्रिया। यहाँ पर किराए पर मिलता है, मैंने ये देखा ही नहीं था। तुम ये किस लिए खरीद कर लाए हो शिनचैन बेटा? और तुमने 3 दिन के लिए 1000 रुपए दिए हैं? है, सही कहे। पर हमारी प्रिंसेस को चमकती चीजें पसंद हैं, जैसे कि मिच्छी को। क्या सच में?
आप लोग कैसे हैं? हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। कौन है? हम दोनों इस धरती पर चांद से आए हैं। मैं अमी हूँ। मैं यमी हूँ। आपकी हर चमक रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग जल्दी कीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए, हो क्या रहा है? मैं समझी नहीं। कागोया प्रिंसेस हमारे देश की राजकुमारी है और इसीलिए हम इन्हें अपने साथ लेने आए हैं। आइए आप हमारे साथ चलिए। ऐसे अचानक से मत ले जाओ। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। भाई बहन का प्यारा रिश्ता। लेकिन हम प्रिंसेस को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते ना। आइए प्रिंसेस हमारे साथ चलिए। बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस कहीं नहीं जा रही हैं। सुनो, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए। जो भी चाहिए? खिलौने भी, स्नैक्स भी, और कुछ बच्चे भी खेलने के लिए। ठीक है मॉम डैड, मैं आपको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। सुनिए दीदी, आपके अंदर एक चमकने की शक्ति है ना? हाँ हाँ, वो तो है। शिनचैन और हिमावारी उन दोनों के साथ चले गए। हाँ, मस्ती को और बच्चे चले गए हैं तो कितनी शांति हो गई है। सच में बहुत ज्यादा शैतानी करते थे दोनों। अरे तुम अपनी गोद में चावल डाल रही हो? और अब तो हमारे परिवार में बस दो ही लोग बचे हैं, तुमने एक प्लेट ज्यादा बना दी। और फिर उसी वक्त मैं वापस आ गया। मुझे हमारा घर ज्यादा पसंद है, मुझे भूख लगी है। शिनचैन, कागुया प्रिंसेस, तुम कितने बुरे हो, दरवाजे से अंदर आना चाहिए था। और इतनी रात को बाहर मत घूमा करो। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत बुरा लग रहा था, तुम आगे से कहीं मत जाना हमें छोड़कर, ठीक है शिनचैन? शिनचैन और हिमावारी को बहुत जल्दी ही धरती पर वापस भेज दिया गया। उन्हें वहाँ इसलिए नहीं रहने दिया गया क्योंकि वो बहुत शरारती थे। बधाई हो, बधाई हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। आज मैंने सफेद बाल देखा। मैं घर आ गया। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आज स्नैक्स में क्या है? कुछ खाने से पहले अपने हाथ धो लो, बिना हाथ धोए खाना नहीं मिलेगा। तुम ये क्या कर रहे हो शिनचैन? अरे मम, आपके बालों में एक सफेद बाल भी है, आप ठीक तो है ना? हल मम कहाँ गई? हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। सुनिए मम, मुझे अभी भी बहुत जोर की भूख लगी है। अभी से ऐसा कैसे हो गया? मुझे और कोई सफेद बाल नहीं चाहिए, मुझे स्नैक्स चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये मेरे साथ ही हुआ है। कितना बुरा हुआ, मेरे दो बच्चे हैं तो मैं फिक्र करती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। चिंता से बाल सफेद होते हैं। सुनिए माँ, मुझे स्नैक्स चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने इसे ढूंढा है। जानते हो, पहले मेरे बाल काले घने और सुंदर थे और अब अरे मामा, फिक्र मत कीजिए, ऐसा लग रहा है कि आपके काले घने बालों में एक वाइट रंग का पंख आ गया है। मेरे बाल कोई पंख नहीं है। मैंने तो ये देखा ही नहीं था। सुनिए मम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है? आपका ये सफेद बाल तो एकदम शीरो के रंग का है। मैं तो मजाक कर रहा था। चुप हो जाओ, कुछ तो उपाय मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं इसे निकाल दूंगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करने से ये बढ़ जाएंगी। ओ हाँ, मैंने भी कहीं से यही सुना है। शिनचैन, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? योशिनागा मैम ने बताया था। क्या, तुम्हारे मैडम के भी सफेद बाल हैं? योशिनागा मैम की मम्मी के हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ।
मामा परेशान मत होइए। परेशान नहीं, परेशान कहो। ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ ऐसा ही कहना चाहिए। अरे हाँ, टीवी पर मैंने देखा था कि आप अपने बालों को डाई से रंग सकते हैं, उससे आपके बाल रेशमी और मुलायम हो जाएंगे। पर मैं वो बस एक ही बाल में नहीं लगा सकती, समझे तुम? मां, यही एक रास्ता है। आप आखिर करना क्या चाहती हैं? हाँ, एक लेडी के मन में क्या चल रहा है तुम ये नहीं समझ सकते। अगर मैं इसे ब्लैक स्केच पेन से रंग देती हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा और काम मुफ्त में भी हो जाएगा। क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। आपका स्केच पेन का आइडिया बहुत ही अलग है मैम। तुम जो चाहे वो बोल सकते हो। सुनो ना शिनचैन, तुम इसे कलर कर दोगे? अरे मॉम, आप तो प्लीज कहना भूल गई है ना? प्यारे शिनचैन, प्लीज कलर कर दो। हाँ जरूर मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज मत कहिए। एकदम जड़ से कलर करना और ध्यान से करना, बिना कोई दाग लगाए। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं अपनी क्लास में ड्राइंग और कलरिंग में फर्स्ट आता हूँ। ऐसा बस तुम ही सोचते हो। अचानक से मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। अरे माफ करना, माफ करना। अच्छे शिनचैन, प्यारे शिनचैन, इसे पूरा कर दो प्लीज। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रही है तो मैं कर ही देता हूँ। सुनो शिनचैन, चीखना मत। ये तो हट नहीं रहा। अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा चेहरा लेकर मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती। कोई बात नहीं मॉम, मुझे पूरा यकीन है ये कल तक हट जाएगा। सुनिए मॉम, आपने राश मत होइए। माना कि आपके हजारों बालों में से एक बाल सफेद है। शिनचैन, फिर भी आप डिस्काउंट पर शॉपिंग करेंगी, पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल पर जाएंगी, कुछ भी तो नहीं बदला। क्या कहा तुमने? तुम्हें लोगों को खुश करना बिल्कुल नहीं आता। मेरी प्यारी हिमावरी, बस तुम ही मुझे समझ सकती हो। मैं आपको बस खुश करने की कोशिश कर रहा था मॉम। और कोशिश करने की जरूरत भी नहीं। अरे हाँ, आज स्कूल में मैंने कहानी सुनी थी, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। हाँ कौन सी कहानी? ये फ्लेमिंगो के बारे में है। फ्लेमिंगो? फ्लेमिंगोस तो बहुत सुंदर होते हैं ना? आप कहानी सुनेंगी? हाँ जरूर। पता है मॉम, फ्लेमिंगो पैदा होते वक्त पिंक नहीं होता। अच्छा ऐसा है क्या? जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो रंग बदलता है। वाओ, ऐसा होता है? और फिर उसका उल्टा भी होता है, फ्लेमिंगो की मॉम का कलर धीरे धीरे उड़ने लग जाता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी ना मॉम? चुप हो जाओ, ये कहानी मुझे अच्छी कैसे लगी? मैं अभी बहुत परेशान हूँ। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो बहुत पहले से सफेद बाल हैं। हाँ क्या कहा, सच में? हाँ, दिमाग वाला काम करने से। माफ करना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने तो सुना है कि सफेद बाल खून की कमी से भी हो जाते हैं। हाँ खून की कमी?
ओ हाँ हाँ, जब मेरी हिमावरी होने वाली थी तब मुझे एनीमिया यानी खून की कमी हो गई थी। ओ हाँ, और मैं ऐसे ही घबरा गई थी। शिनचैन, मैं सामान खरीदने जा रही हूँ, तब तक हिमावरी का ध्यान रखना। मॉम का जज्बा तो कमाल का है। उनके चेहरे पे स्केच पेन का निशान देख कर लोग क्या सोचेंगे। आज हम घर शिफ्ट करने में मदद करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है, बाहर कितना शोर है। अरे आज तो संडे है, क्यों परेशान हो रही हो मुझ से। मैं जाकर देखता हूँ। ध्यान से। अरे वाह गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट, सुनिए ना मॉम, बाहर गिफ्ट आए हैं। लगता है हम सब के लिए एक गिफ्ट है। अरे पर हमें कौन भेजेगा गिफ्ट। उनसे साइन करवा लेना। ठीक है। सुनिए सर, आप प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए। लेकिन मेरा नाम हिरोशी नोहारा है। जी, हमें आपके पास ही सामान पहुँचाने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? नोहारा सर। आपको हमारी याद आ रही थी ना, ठीक कहा ना? हम आ गए। तुम दोनों? अरे तुम तो। अरे आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसे हो शिनचैन? अब हम रहेंगे साथ ही। साथ ही आपका मतलब? शिनचैन, आज से हम तुम्हारे पड़ोस के घर में रहने आ रहे हैं। सही कहा। यहाँ भी आ गए ये। और वो भी आज ही। अरे ये इतने सारे डिब्बे क्या हैं? वो दरअसल मुझे शर्म आ रही है, हम यहाँ नए नए हैं ना, तो हमने सामान थोड़ा ही खरीदा है। इसे तुम लोग थोड़ा सामान कहते हो? तो ये सामान इतना ज्यादा थोड़ी है। आप ये देखिए, हमने ये बेड भी खरीदा है और इस पर जो गद्दा है वो हाई क्वालिटी का है। अरे ये सब कुछ मुझे नहीं जानना है। एक बात बताइए, ये सब सामान हमारे घर के बाहर क्यों रखा है? क्योंकि हमने अभी तक अपने नए घर की सफाई नहीं की है, कारपेट बिछाते ही हम अपना सामान रख लेंगे। पर इतने सारे कारपेट ले जाना तो बहुत मुश्किल होगा ना? आप भी तो मदद करेंगी। और जब दो आदमी हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दो आदमी? वैसे मैं क्यों सामान पहुंचाऊं तुम्हारा? क्या इस काम में तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, चुप क्यों हो? दरअसल हमारे कोई भी दोस्त नहीं है। और जो थे उन्होंने हमसे दोस्ती तोड़ दी, पता नहीं क्यों। मैं आसानी से समझ सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मिस्टर नोहारा हमारी मदद करने में खुश लग रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कौन खुश लग रहा है तुम्हें? और इसके साथ साथ मिची, मिस्टर नोहारा बहुत ही भोले इंसान हैं। भोला नहीं, सब समझता हूँ मैं। हो गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, और टेढ़ा, और टेढ़ा। न्यू शिरीन। मिची, ये तो बहुत भारी था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भारी नहीं था। और मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी काम कर सकता हूँ मिची। ओ तुम कितने अच्छे हो। क्योंकि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। क्या तुम सच कह रहे हो योश्री? सुनिए ना डैड, मुझे तो इनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपको भी समझ नहीं आई? मुझे कुछ काम है शिनचैन। सुनिए ना डैड, मुझे बताइए ना। ये तो हो गया, ये भी रख दिया। ओ योश्रीन, तुम आज कितना काम कर रहे हो, सच में तुम बहुत मेहनती हो। हा? मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो सच है। अरे अभी बहुत सारे डिब्बे बचे हुए हैं, हमें सभी लेकर आने होंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले योश्रीन, क्या तुम इस कार्डबोर्ड को खोल दोगे प्लीज? जरूर खोल दूंगा। नोहारा सर, मुझे यहाँ पर कुछ डिब्बे खोलने हैं, तब तक आप सामान अंदर ले आइए। आपका शुक्रिया डैड। ये काम तो बाद में भी हो सकता है ना। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि इसमें जरूरी सामान है। जरूरी सामान है, इसलिए मुझे ये अभी खोलना होगा। हाँ नोहारा सर, ऐसी बात है तो चलो ठीक है। नोहारा सर डैड। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नोहारा सर, इसके बाद मैं आपका काम भी कर दूंगा। मैं भी कर दूंगी। मेरा काम कर दोगे?
हम तुम्हारे घर का सामान लगा रहे हैं यहाँ पर। तुम्हारा सर का गुस्सा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर आप गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माफ कर दो मुझे, कितना भारी है, संडे के दिन भी ये सब काम करना पड़ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। जरा आप इस फोटो को तो देखिए, ये हवाई का है ना, मुझे भी जाना है। बहुत बहुत मजा आया होगा। हाँ वहाँ का सनसेट देखने में बहुत मजा आया है ना। हेलो नुहारा सर, काम पूरा हो गया क्या? तुम यहाँ मजे से बैठ के फोटो देख रहे हो और तुम्हारा सामान लाते लाते मेरी हालत खराब हो गई है। ये हमारी सबसे प्यारी यादें हैं, है ना? नुहारा सर क्या आप भी देखेंगे? छोड़ दो नुहारा सर, मिची योशिरी। ये लो लाइए। बस अब काम पूरा होने ही वाला है। जी हाँ। क्या मैं ये यहाँ पर रख दूँ? हाँ रख दो। इसमें क्या है, चलो देखते हैं। इतने सारे खिलौने, इसे हाथ मत लगाना। जानते हो इसमें मेरा बहुत ही जरूरी सामान है। ये क्या योशिरी, तुमने ये सामान अभी तक रखा हुआ है? मैंने तो इसे फेंकने के लिए कहा था। मिची ये तुम क्या कह रही हो, ये तो हद हो गई। मुझे तुम्हारे ये खिलौने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या कहा तुमने मिची, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते? तो फिर बताओ ये सब क्या है मिची, जवाब दो मुझे। हाँ क्या कह रहे हो, ये तो मेरे बहुत ही प्यारे खिलौने हैं। ये देखने में कितने अजीब लगते हैं। ऐसा मत कहो, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। नहीं मेरे खिलौने तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ। ये लोग थोड़े अजीब हैं ना। अरे ये लोग बहुत अजीब हैं। चलो बस ये आखिरी चीज बची है अब तो। ठीक है चलो उठाओ, इतने बड़े फ्रिज के लिए तो बहुत जगह चाहिए होगी। फिक्र मत कीजिए, मैंने इसके लिए पहले से ही जगह देख रखी है। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बात है मिची, ये देखो। इसे जल्दी हटाओ योशिरी। नहीं मुझे भी डर लगता है। ओ नहीं, इतने बड़े हो फिर भी डरते हो? क्या बात है मिची, आखिर तुम्हें कॉकरोच से इतना डर क्यों लगता है? लेकिन मुझे कॉकरोच से डर लगता है। मुझे भी कॉकरोच से डर लगता है। ओ ठीक है, मैं समझ गई। कोई नहीं आया, अरे बाहर आकर देख लो क्या हो रहा है। जब देखो तब शैतानी।